हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और आप देख रहे हैं दी इमेजिंग। तो दोस्तों स्वागत है आपका दी इमेजिंग में। दोस्तों आज हम फिर से एक एडजस्टमेंट क्लास के बारे में सीखने वाले हैं और आज की जो एडजस्टमेंट क्लास है वो है दोस्तों चैनल मिक्सर। आज हम कुछ चैनल मिक्सर के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर लें लाइक। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लें रेड कलर का जो नीचे बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब, और उसके पास में छोटी सी एक बेल दोस्तों उसे दबा करके सेलेक्ट करें ऑल को दोस्तों, ताकि आने वाले सारे क्रिएटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 10 और इसमें आज हम सीखेंगे चैनल मिक्सर। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दी इमेजिंग में। तो दोस्तों चैनल मिक्सर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं एडजस्टमेंट की क्लास के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों चैनल मिक्सर को बताने से पहले आपको मेरी चैनल वाली जो चैनल्स वाली जो वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, उसका जो लिंक है दोस्तों ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको चैनल्स के बारे में पहले जानकारी हो जाए और फिर आप चैनल मिक्सर के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चैनल मिक्सर की एडजस्टमेंट क्लास 10 को, 10 नंबर की क्लास को, और हम चलते हैं दोस्तों अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों यहां कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। मैंने यहां दो इमेजेस दोस्तों ओपन करके रखी हुई हैं और दोनों इमेजेस मैंने ली हैं unsplash.com से। तो दोस्तों इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी इन इमेजेस को डाउनलोड करके उनके ऊपर वर्क करके देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाली इमेज ले लेते हैं यहां पे। दोस्तों चैनल मिक्सर के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। चैनल मिक्सर एक्चुअली में जो वर्किंग है वो करता है चैनल्स के ऊपर, कि आपके कलर्स के चैनल कौन कौन से हैं उसके हिसाब से ये वर्किंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यहां से हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में, और यहां से जो चैनल है वो हम चैनल मिक्सर जो है वो हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा चैनल मिक्सर जो है वो ओपन हो गया है दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों यहां प्रीसेट्स कुछ दिए हुए हैं, इन प्रीसेट्स का भी यूज कर सकते हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट, इंफ्रा रेड, ये देखिए दोस्तों इंफ्रारेड, ये ब्लैक एंड व्हाइट के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दे रखे हैं, विद रेड टोन या फिर रेड ज़्यादा है या ऑरेंज फिल्टर के साथ जो है ये हमारा वर्किंग करता है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और आउटपुट चैनल जो है वो यहाँ ग्रे है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से प्रीसेट सेट कर लिया था और यहाँ हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट चैनल हैं तीन हमारे पास। तो चैनल्स की बात जो है वो मैं करूँगा बाद में, पहले मैं आपको चैनल्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि चैनल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ मोनोक्रोम पे यहाँ क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, मोनोक्रोम पर क्लिक करने के बाद में हमारी इमेज जो है वो हो गई है ब्लैक एंड वाइट। तो आपको पता था कि यहाँ थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन कलर है, जैसे ही हम ब्लू कलर को थोड़ा सा लाइट करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारी इमेज में ब्लू कलर है वहाँ वहाँ कलर लाइट हो जाएगा, और जैसे ही हम रेड कलर को दोस्तों लाइट करेंगे तो जहां जहां रेड कलर है इमेज के अंदर ओवरऑल वहां से वो लाइट हो जाएगा, और ग्रीन को अगर डार्क करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर डार्क भी हो जाएगा और लाइट भी हो जाएगा रेड और ब्लू की तरह। तो दोस्तों ये तो था मोनोक्रोम के साथ ग्रे चैनल में आपको आउटपुट के अंदर सोर्सेज चैनल जो है उनको कैसे चेंज करके ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे से बनानी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं मोनोक्रोम, मैं यहां से हटा दे रहा हूं दोस्तों, इसको कर देता हूं एक बार रीसेट यहां से। अब हम जाते हैं दोस्तों चैनल के अंदर। अब जैसे यहां पे हमने आउटपुट चैनल जो है वो रेड सेलेक्ट कर रखा है, और रेड के अंदर रेड की जो डेंसिटी है वो यहां पे 100% है दोस्तों, ठीक है। अब रेड के अंदर अगर जहां जहां ग्रीन है, रेड कलर के अंदर अगर ग्रीन है तो वहां पे हम रेड कलर को ग्रीन के अंदर भी रेड कलर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों जहां जहां पे ग्रीन कलर है वहां वहां पे रेड कलर की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए रेड कलर की ग्रीन कलर के अंदर जो है डेंसिटी बिल्कुल बढ़ रही है, और इसी प्रकार से ब्लू कलर के अंदर भी रेड कलर की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ रेड कलर में भी
बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों मैं एक बार वापस से रीसेट कर देता हूं और फिर हम चैनल सेलेक्ट करते हैं ग्रीन दोस्तों। अब यहां पे ग्रीन 100% है दोस्तों, और यहां जैसे ही हम रेड कलर को बढ़ाएंगे ग्रीन के अंदर, रीसेट कर दिया दोस्तों एक बार मैंने। अब जैसे ही हम रेड कलर को यहां बढ़ाएंगे ग्रीन के अंदर, तो ये देखिए लाइट हो रहा है, मतलब कि ग्रीन कलर आ रहा है, श्यान कलर की तरह हो रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे हम डार्क करेंगे वैसे वैसे मजेंटा जो कलर है वो यहाँ पे आने लगेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मजेंटा कलर जो है वो आने लग गया, मतलब कि ग्रीन कलर की डेंसिटी जो है उसके अंदर रेड कलर की डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों चैनल मिक्सर जो है वो काम करता है आपस में सभी चैनल्स को मिक्स करके। आउटपुट चैनल के बारे में समझा दिया मैंने आपको, आउटपुट चैनल से हम उस चैनल को सिलेक्ट करेंगे जिस चैनल के अंदर हमें उस चैनल के कलर को कम या ज्यादा करना है। और दोस्तों शोर्स चैनल जो है वो है कि आपने जो चैनल सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर किस किस चैनल के कलर जो है वो कम करने हैं। जैसे कि रेड ग्रीन कलर सिलेक्ट कर रखा है, ग्रीन के अंदर रेड को हमने डार्क किया तो मजेंटा कलर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों हम ब्लू को भी अगर डार्क करते हैं तो और ज्यादा मजेंटा कलर जो है वो आ जाएगा, और अगर हम लाइट करते हैं तो ग्रीन कलर की जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगेगी। इस तरीके से दोस्तों चैनल मिक्सर का यूज करते हुए आप चैनल्स को मिक्स करके बहुत ही अच्छे तरीके से कलर इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्री वेडिंग इमेजेस के लिए, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग में पोर्ट्रेट शीट पे फोटोज को लगाने के लिए कलर इफेक्ट बना सकते हैं दोस्तों इसके जरिए। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कंटेंट्स के लिए। ये कंटेंट्स है, इनसे लाइट ओवरऑल पूरी इमेज में जो चैनल का कलर है वो बढ़ता है दोस्तों। ये देखिए ऑल ओवर पूरी इमेज के अंदर चैनल का जो कलर है वो बढ़ने लग गया है, और इसी तरीके से ऑल ओवर इमेज में चैनल का जो कलर है वो कम होने लग गया है, मतलब कि उस कलर के अपोजिट जो है वो कलर आने लग गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे से चैनल मिक्सर को यूज में लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चैनल मिक्सर का यूज कैसे करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं दूसरी इमेज में दोस्तों। इस इमेज को मैंने कर दिया है ओके, कर दिया है कैंसिल कर दिया है दोस्तों। इस इमेज में हम आ गए हैं दोस्तों, यहां पे वापस से हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहां से ओपन करेंगे चैनल मिक्सर को दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि मोनोक्रोम अगर हम कर देते हैं इमेज को यहां से, तो कितने अच्छे तरीके से हम, जैसे कि मोनोक्रोम मैंने कर दिया और मैंने यहां से ब्लू कलर जो है यहां स्काई का उससे करना है लाइट, वो मुझे लग रहा है डार्क, तो ब्लू कलर जहां जहां होगा दोस्तों वहां वहां से वो हो जाएगा लाइट। और ग्रीन कलर को मुझे करना है अगर डार्क, तो जहां जहां ग्रीन कलर होगा दोस्तों वहां वहां से थोड़ा सा हो जाएगा डार्क। तो ये देखिए दोस्तों, आप चैनल मिक्सर का यूज करते हुए मोनोक्रोम ऑप्शन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर भी कलर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आई बटन में ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट वाली एडजस्टमेंट क्लास भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप देख करके ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे तरीके से कैसे बनाना है उसको भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चैनल मिक्सर का वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसे भी कमेंट करेंगे दोस्तों, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सीखें एवरीडे क्रिएटिव विद द अमेजिंग। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।